Amul Surabhi, brought to you by Amul, the taste of India, and Dhara. शताब्दी का अंतिम वर्ष, अब समय आ गया है कि हम अपने पड़ोसी देशों को और भी अच्छी तरह से जाने बूझे, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल, जहां चारों दिशाओं में गूंजती हैं मंदिरों की घंटियां, खासकर भक्तापुर में, भक्तजनों की भूमि। भक्तापुर की सैर करती हुई हमारी टीम डायरेक्टर जया पीटर खो जाती है इतिहास की गलियों में। वाकई यहां अभी भी इतिहास को सलामत रखा है। सुना है कला वैभव की हिफाजत के लिए सदियों पहले समय वहां रुक गया था। मध्ययुगीन कला जगत का शहर भक्तपुर काठमांडू से 14 किलोमीटर पूर्व की ओर, उपलब्धियों पर अठास करती, आकाश को छूती अटालिकाएं। विशाल बाड़े, राजे रजवाड़े, शिल्पकला, मूर्ति कला के अद्भुत नजारे, मल राजाओं के दौर में फला फूला, नवीं सदी में जन्मा भक्तपुर, गरिमा, गौरव, वैभव, विरासत का शहर है, भक्त और भगवान का शहर है। इस अलौकिक नगरी की रहस्यमय सीढ़ियों को पार करते समय हमारे साथ है भक्तपुर के जाने माने विद्वान श्री मधु चित्रकार जी। उन्होंने हमारे सफर का श्री गणेश बड़े ही पवित्र पावन स्थल से कराया। इन दिस फॉरेस्ट दिस इज वन ऑफ द टेम्पल इज कॉल्ड सूर्य विनायक। दिस इज वेरी फेमस टेम्पल इन काठमांडू सिटी। यू मे नो दैट इन नेपाल there are so many temples which are established according to energy center. Among the four different Ganesha temple in Kathmandu Valley, this is one, Surya Vinayak. It is because that the sun rise, at the time of sunrise, the sun rays, kirana, used to take place at the in this forest, and especially at the image of the Ganesh statue. This is the south of Bhaktapur now we are, yeah. And it is the Himalaya. This is all range of Himalayas, and just at the left of the Himalaya, this is that is the Bhaktapur city. This is what is very ancient city in Nepal. It is very good to start a journey, yeah, from here. Bhaktapur ke har chaurahe par kalakaron ka basera hai. Kala ke apne apne mohalle hain, jaise Potter's Square, wo mukam jahan mrit kala यानी पॉटरी का काम पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। कुम्हार का चाक, कला का चाक, जीवन का चाक, समय के चक्र के साथ आज भी उसी गति से घूम रहा है। यहां सब कुछ बड़ा अद्भुत है। तंत्र विद्या के खास गणितीय जोड़ के आधार पर बना है भक्तपुर का ये बाराही मंदिर। दिस टेम्पल इज लाइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ भक्तपुर। भक्तपुर इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ टेंट्रिक। आस्था की मूर्तियां, कला की ऊंचाइयां हमेशा जीवन को शक्ति और उत्साह देती हैं। इन मंदिरों को जितनी बार भी देखो कुछ न कुछ नया जरूर नजर आता है। जैसे मधु चित्रकार जी के लिए आज का दिन एक नई खोज का दिन था। आई फाइंड ऑलवेज न्यू थिंग्स हियर like in discovery, because that today also I heard from Mr. Seju, one caste, very special caste of Bhaktapur, that he advised me that there is, had you seen before the windows of pigeons or not? I said to him, no, I never have seen. But this is like a discovery, always in little place, but we find different other very new things, always new. Still, I am not, it is just like a beginning for me in my life, yeah.
जैसे मेले में एक बालक हो। वक्तपुर में हमारा वैसा ही हाल था। घूमते घूमते हम पहुंच गए मुखौटा बनाने वाले कलाकारों के मोहल्ले में। जो भी दिखा हम बस देखते ही रह गए। कलात्मक अभिव्यक्तियां थी चेहरों के रूप में चेहरों की। इस अद्भुत नगरी का एक और मल्लकालीन मुकाम है त्रिपुर सुंदरी, आम आदमियों का दरबार। दिस इज द सेंटर मींस दिस इज द सेंटर ऑफ मंडला ऑफ भक्तपुर एट द टाइम ऑफ मल्ला पीरियड। इट इज जस्ट फॉर प्राइवेट पीपल, एनी टाइम दे कैन विजिट हियर एंड दे विल वर्शिप इट। इट मींस दैट देयर आर टू सेंटर्स, वन फॉर पैलेस एंड वन फॉर हियर। नाउ इट इज ओपन, लकीली वी आर गेटिंग चांस टू बी देयर इन द पैलेस ऑल्सो। शिल्पकारी के द्वार, श्रद्धा के द्वार वाला ये है दरबार चौक। यहाँ के राजद्वार क्या खुले, हमारे लिए अनुभव का नया द्वार खुल गया था। मल्लकालीन वैभव की अनुभूति का द्वार, सोने की नकाशी के लिए मशहूर सूर्य ढोका जिसे गोल्डन गेट भी कहा जाता है। सन 1702 में महाराज भूपेंद्र मल्ला द्वारा निर्मित 5 मंजिला पगोड़ा, हर मंजिल पर शक्ति के प्रतीक पहरेदार और पहरेदारों के बीच धन धान्य ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी का निवास, यही है नियातपोला मंदिर। इस कला नगरी ने कई बार भूकंप की मार को सहा है, मगर हर बार उतनी ही शिद्दत से जीर्णोद्धार भी हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण है दरबार चौक। धूप छांव के कई दौर गए, कई भूकंप आए गए, लेकिन चेहरों पर सिर्फ मासूमियत। शायद ठहरे हुए समय की कहानी कहने या 21वीं सदी को चकित करने। याद दिलाइए कोई दिल की बात, शायद लौटा इनकी याददाश्त। याद दिलाइए, याद दिलाइए। अमूल मलाई पनीर, मलाईदार, मजेदार। वही स्वाद, बिल्कुल वही स्वाद। माँ, सीमा, बापू, रामू काका, मुझे सब कुछ याद आ गया। अमूल मलाई पनीर, मजेदार स्वाद जो हमेशा रहेगा। भारत स्वयं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करता है तो जरूरी है कि हमारे एक महान मित्र देश मिश्र देश के एक विशेष फिल्मकार का भी जिक्र हो, जिनका भारत में सम्मान भी हुआ है और उनकी फिल्मों का यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ है। मिश्र के प्रतिबद्ध फिल्मकार यूसुफ शाहीन। मिश्र का फिल्म उद्योग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद पर खड़ा कलात्मक ऊंचाइयों को छूता फिल्म उद्योग। लेकिन इसी फिल्म उद्योग का अंग होकर भी अलग है एक लेजेंडरी फिल्मकार, जिन्होंने 40 साल में तकरीबन 30 बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया और हर वक्त अलग अलग पहलुओं को छुआ। आप हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेता और निर्देशक यूसुफ शाहीन। कांस फिल्म महोत्सव के स्वर्णिम जयंती पर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसी अवसर पर आपसे एक मुलाकात। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू मिस्टर शाहीन ऑन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द कांस फिल्म फेस्टिवल। हैव यू अचीव्ड योर एम्बिशंस नाउ?
It's a very good question, and the answer to it, it depends what your ambition was. Because it could be, if I were looking for glory, yes, I would say, okay, I got it, and then all I have to do is wait to die. I have no intention of doing that. I'm a cinema man. The passion is for the cinema, not for the award. You are making the films not only for entertainment, but entertainment is a part of it, but what are you making the films for? If the pictures don't say something about the period you're living in, yes, if it doesn't, without taking the word too heavily, yes, but the picture must be educational also. Without doing what people say, okay, the public wants this and the public wants that. Yes. No, what do I want? Norman! सन 1958 में आपने बनाई फिल्म कायरो स्टेशन में आपका मुख्य किरदार था. ये वो फिल्म है जिसने आम जिंदगी की सच्चाई को खोल कर रख दिया. शायद इसीलिए काफी विवाद भी हुए, लेकिन आज यही फिल्म महान फिल्मों में गिनी जाती है. The historical classic in Egyptian movies is a film, but when it came down, they spat in my face. When you identify too much with the character that is transparent, and you think that that character is you, you feel that you are being pointed at. I see. And you have to make them get used to that. Not only to look at Shankar and say, okay, I'm a big hero. Yeah. No, you're also a son of a bitch every now and then. You're also not so perfect every now and then. And you have to face that. खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा के लिए मशहूर शहर अलेक्जेंड्रिया में सन 1926 में आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ. आपने गरीबी के इस दर्द को अपनी ताकत बना ली और खड़े हो गए आसमान को छूने के लिए. I was a poor boy in a rich boy's school because my father was very ambitious. He wanted me to learn. So I felt for the poor people. आम जिंदगी की सच्चाई जब आप पौराणिक किरदारों के द्वारा दिखाते हैं तो कट्टरपंथियों के होश उड़ जाते हैं. एमिग्रेंट आपकी ऐसी फिल्म थी. फिर हुए विवाद और लग गया एक नया आरोप, इजराइल से दोस्ती की वकालत का आरोप. When somebody wants to ride over your shoulders so that he wins a little bit of fame or something, okay, I can even understand that. I don't like it, and I don't let him if I can. But it happens. Okay, so I fight it out. I'm fighting it out with my government. So what? I fight it out with the censorship. Some idiot comes and says, no, you can't do this. And who are you? Who are you? आपकी नई फिल्म डेस्टिनी अरब दार्शनिक इब्न रश्द की कहानी है और आपकी खुद की कहानी भी. दार्शनिक इब्न रश्द को समाज ने कभी चैन से जीने नहीं दिया और आप भी हमेशा विवादों से घिरे रहे, लेकिन आपने कभी पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण नहीं किया. भला अरब अपना वैभवशाली इतिहास कैसे भूल सकते हैं. डेस्टिनी फिल्म को 50वें कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत किया गया. उमर शरीफ, हॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार. उमर शरीफ को फिल्मों में पहला मौका आप ही ने दिया था, लेकिन आज फिल्म दुनिया की ये दो दिग्गज हस्तियां दूर दूर हैं. आखिर क्या बात है कि आपको उनका जिक्र भी अच्छा नहीं लगता? Probably I had great expectations, and I was I'm just sorry that the artistic side of the career was not more accented. He had other interests which annoyed me. आपने जिंदगी को अपनी तर्ज पर जीना सीखा, हमेशा सिद्धांतों पर अड़े रहे. तकरीबन हर विषय को आपकी फिल्मों ने छुआ, और अब क्या है आपका नया विषय? It's about globalization as understood by a lot of idiots. What does that mean, actually? It means it's very dangerous. It's very, very dangerous. I told you, I'm totally open to the other people, but I'm not open to what they call the economists.
up to now, they've been a disaster. We are doing, we're applying the system now, we're enriching the rich and impoverishing the poor. मुश्किलें आपके रास्ते में बार बार आईं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने अंत में जीत का सेहरा आपके सर बांध ही दिया. Youssef Chahine pour l'ensemble de son œuvre, pour son humanité, sa tolérance et son courage en des temps difficiles et troublés. Cannes अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, सुखद अनुभूति, आंखों से दिल तक, शरीर के रोए रोए तक, अपार खुशी और परिपूर्णता का एहसास. यूसुफ शहीन नए फिल्मकारों के लिए एक सही आदर्श. याद है ना आपको हमारा दो अंकों पहले पूछा गया सवाल? अगर आप उस भाषा को नहीं जानते तो दो चार बार उन शब्दों को दोहराइए और जरा गौर कीजिए कि वो सुनने में कैसे लगते हैं. पप्पी और मछी. एक बार और. पप्पी मच्छी. जरा फिर से. पप्पी हरा मुझे. बाबरे बाप. पापी मेजबान. नमस्कार. पटाटा मैश. नमस्कार. एक मामूली लफ्ज पापी माशे के लिए इतना बतंगड़. इस पहेली को सुलझाते हैं हमारे टीम डायरेक्टर नवीन पंडिता. सुनहरे श्रीनगर का खानियार इलाका. एक अनूठे खजाने की तलाश हमें इस मुकाम पर लाई है. क्या है ये खजाना? कुम्हार के सूखते बर्तन या किसी विलुप्त प्राणी के अंडे? जी नहीं, हमारी तलाश का संबंध न मिट्टी से है न परिंदे से. हमारा खजाना है पापिया माशी, जिसका राज छिपा है कागज की चिंदियों में. इन चिंदियों को पानी में भिगोकर रखा जाता है, फिर इसे अच्छी तरह कूटकर लुगदी बनाई जाती है. इस लुगदी में मिलाते हैं आटे की लेई. अब ये आकार लेने के लिए तैयार है. लकड़ी के सांचों पर ये लुगदी चिपकाकर इसे मनचाही शक्ल दी जाती है. अच्छी तरह सूख जाने पर इन्हें काट कर सांचों से अलग कर लिया जाता है और ऊपरी सतह को घिस कर समतल करते हैं. सख्त साजों के मोहल्ले में तैयार हुए ये आकार नक्काशों के मोहल्ले में पहुंचते हैं, जहां हुनरमंद हाथ इन्हें संवारते हैं, सजाते हैं रंगों से और सोने से. प्योर गोल्ड इसमें लगा हुआ है. इसमें लगाओ, इसमें आउटलाइनिंग प्योर गोल्ड है. क्योंकि इसकी एक बात है कि जैसे ये गोल्ड है, अगर ये 50 साल भी रहेगा ना, तो गोल्ड इसमें, इसको वॉलिश करने से चमकता है गोल्ड. जैसे इसमें ये गोल्ड है, ये
दिन ब दिन घटता जाता है, इसको प्योर गोल्ड कहते हैं। आप देखिए कि प्योर गोल्ड कैसे बनते हैं, ये हमको यहाँ से मिलता है, ये हो गया प्योर गोल्ड। गुजरते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, कलात्मकता पर व्यावसायिकता हावी हुई है, प्राकृतिक रंगों और शुद्ध सोने की जगह ले ली है सिंथेटिक रंगों ने। पहले हमको इस बक्से को मिलते थे, आज से 10 साल पहले 12 रुपए मिलते थे, आज हमको 10 रुपए मिलते हैं। राजनीतिक उथल पुथल के दौर में घर की चार दीवारी के भीतर बैठे विद्यार्थियों ने नया हुनर सीखा, पापिया माशे का खपत वही रही लेकिन काम करने वाले हाथ बढ़ गए। इसको एक दफा हो जाएगा ऐसा कि ये काम छोड़ेंगे लोग, फिर जब बनाने वाले नहीं रहेंगे फिर उसको दाम बढ़ेगा। आज बिचौलियों के जरिए बाजार में पहुंचा माल जहां आम आदमी की पहुंच से परे है, वहीं कारीगरों के लिए ये घाटे का सौदा है। पहले कार्य कलमदानी कहलाने वाला ये हुनर शहजादा जैनुल आबदीन समरकंद से कश्मीर लाया। मुगलों ने इस शानदार कला को कलमदानों से उठाकर पलंगों, पालकियों, दरवाजों और दीवारों से लेकर छतों तक पहुंचा दिया। इस दौर का संभवतः सबसे शानदार नमूना है ये शाहे हमदान मस्जिद। फ्रांसीसियों ने इस कारीगरी को नाम दिया पापिया माशे। फिर अंग्रेजों ने इस रंग भरी कला के छोटे छोटे नमूने ले जाने शुरू किए। आज पर्यटकों के लिए स्मृति चिन्हों के रूप में सिमट गया कश्मीर का ये खजाना शायद उस्ताद कारीगरों की कोशिशों से हम सबकी पहुंच के करीब आ सके। इंसान के लिए सिर्फ सांसें लेना ही जिंदगी नहीं, बल्कि इससे परे भी बहुत कुछ है जो जीवन को अर्थ देता है। अब दिल्ली के श्री विमल सहगल को ही देख लीजिए, जिनके लिए लकड़ियों में छिपे सौंदर्य को तलाशना और तराशना भी जीवन का एक और अर्थ है। दिल्ली की एक आम सुबह अपने खुशहाल घर से श्री विमल सहगल निकल पड़ते हैं अपने एक और अजीज घर की ओर, प्रकृति के आंगन में। जंगल में उनकी अनुभवी आंखें तलाश लेती हैं कई संभावित कलाकृतियां। छिपे सौंदर्य की खोज का ये शौक उनकी माँ की प्रेरणा से शुरू हुआ, उनके अपने बाग से। ये सूखी टहनियां जब विमल जी के घर पहुंचती हैं, तो शुरू होता है उनका कायाकल्प। आकारों को संवारते उनमें अपनी कल्पना के रंग भरते श्री सहगल के हाथों सजुड़ती है ये खुशनुमा दुनिया। अपनी हर कृति को बेहद प्यार से सहेज कर रखते हैं श्री सहगल, ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति सहेजती है अपनी हर रचना को। जिन दर्शकों को आज आपकी नुमाइश में शामिल किया गया वो पाएंगे स्पिक मैके पब्लिकेशंस की ओर से एक विशेष पत्रिका द आई का वार्षिक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त। और अब बारी है आज के इनामों की। इस सप्ताह प्राप्त कुल पत्रों की संख्या है 12,680, जिनमें से सही जवाब है 4,822 और पहले विजेता है रुहुल इस्लाम लस्कर असम। आपका इनाम भारतीय रेल के सौजन्य से भारत में किसी भी जगह दो व्यक्तियों के लिए फर्स्ट क्लास या सेकंड एसी की दो रिटर्न टिकटें, होटल लेकिन और जयसमंद रिजॉर्ट उदयपुर में दो व्यक्तियों के लिए तीन दिन और कर्नाटका हैंडलूम की ओर से 4,000 रुपयों तक की खूबसूरत साड़ियां। दूसरे विजेता माहे तलत बेंगलोर। आपका इनाम गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से दो बच्चों और दो बड़ों के लिए औली में दो दिन, ओसवाल वुलन मिल्स के सौजन्य से मोंटी कार्लो कलेक्शन के 3,000 रुपयों तक के एक्सक्लूसिव वुलन कार्डिगन्स खास आपके लिए और डॉक्टर जेन्स फॉरेस्ट हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मुंबई की डॉक्टर उर्जिता जैन द्वारा निर्मित विशेष हर्बल प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। तीसरी विजेता मंगलम विश्वनाथन मध्य प्रदेश। आपका इनाम आंध्र प्रदेश टूरिज्म के सौजन्य से विजयवाड़ा में दो बच्चों और दो बड़ों के लिए चार दिन, हैरी कलेक्शन की ओर से 2,500 रुपयों तक के शानदार प्रीमियम सूटिंग गिफ्ट हैम्पर और केएस डील की ओर से 1,000 रुपयों तक के आकर्षक उपहार। चौथी विजेता एस नागलक्ष्मी हैदराबाद आंध्र प्रदेश। आपका इनाम महाराष्ट्र टूरिज्म के सौजन्य से माथेरान में दो व्यक्तियों के लिए तीन दिन, एचएमटी की ओर से संगम घड़ियों का शानदार सेट,
और गढ़वाल मंडल विकास निगम के भागीरथी मिनरल वाटर और फ्रूट प्रोडक्ट्स की ओर से 1,000 रूपयों तक की भेंट। ईमेल से खास विजेता हैं डॉक्टर लक्ष्मण नंदगिरी, श्रीनिवास नगर, कर्नाटका। आपका इनाम विदेश संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से इंटरनेट को जानने और समझने का अनोखा अवसर, 100 घंटे की मुफ्त इंटरनेट सेवा, VSNL विश्व में भारत का प्रवेश द्वार। बम्पर इनाम के विजेता हैं राहुल देव, नई दिल्ली। आपका बम्पर इनाम बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड नेपाल के सौजन्य से 2 व्यक्तियों के लिए एवरेस्ट एक्सपीरियंस फ्लाइट टिकट्स, माउंट एवरेस्ट और हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों की एक अनोखी सैर। इन सभी विजेताओं को अमूल की ओर से एक विशेष पुस्तक द अमूल इंडिया स्टोरी और धारा की ओर से गिफ्ट हैम्पर। अमूल सुरभि के आगामी अंक ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इन्हीं अंकों में पूछे गए सवालों के 2 विजेताओं को दिए जाएंगे अमूल की ओर से आनंद गुजरात की मुफ्त यात्रा के 2 बम्पर इनाम। एक और मुकाबला ज्ञान का, विजडम ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट। आपको बताना है भारत ने मानव सभ्यता के लिए वैदिक काल से लेकर आज तक क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे गणित में शून्य, स्वास्थ्य में योग, वैसे अलग अलग क्षेत्रों में आपको भारत की खास उपलब्धियां बतानी है। विजेता को मिलेगा 1 इनाम। सांस्कृतिक पत्रिका मार्ग के सौजन्य से उनके द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का एक आकर्षक सेट। सदियों से हमारा देश समुद्री यात्राओं का देश रहा है, इसलिए इसमें ताज्जुब कैसा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, यानी कि वो जगह जहां पर समुद्री जहाज को तोड़ा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जहाज तोड़ने वाली जगह कहां है और इसका नाम क्या है? सवाल एक बार फिर सुनिए, आपको बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ी समुद्री जहाज को तोड़ने की जगह कहां है और उसका नाम क्या है? यू हैव टू टेल अस वेयर द शिप ब्रेकिंग यार्ड इज एंड व्हाट इज इट्स नेम। जवाब इस पते पर भेजिए, अमोल सुरभि सवाल जवाब, सिनेमा विजन इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 11901, आजाद नगर, मुंबई 400053। आपके जवाब हमें 7 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। अब हमसे संपर्क का एक और जरिया हमारा ईमेल पता surabhi@amul.com, और हम इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं, पता है www.indiasurabhi.com। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। भाग्यशाली विजेता को मिलेगा विदेश संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से एक शानदार मौका दुनिया को जानने का, 100 घंटों की मुफ्त इंटरनेट सेवा। जरा सोचिए, एक जहाज को तोड़ने और उसके कल पुर्जों को अच्छी तरह से अलग अलग करने के लिए क्या क्या सुविधाओं की जरूरत होती होगी? जी बहुत ही सिंपल बात है, सबसे पहले तो पुराने जहाज तो हो तोड़ने के लिए। अच्छा, ढेर सारे। जरा इसके अलावा भी कुछ सोचिए। आपको ताजुब होगा कि सबसे ज्यादा जरूरत है एक ऐसे ज्वार भाटा की जिसकी उफान और ढलान हद से ज्यादा हो। ऐसा क्यों? नहीं जानती हैं? नहीं। वो इसलिए कि जब ज्वार भाटा अधिक होता है तो पानी के बहाव से बड़े से बड़ा जहाज जो है बंदरगाह के बिल्कुल अंदर आ जाता है, और जब पानी वापस चला जाता है वो इतनी दूर चला जाता है कि बंदरगाह सूख जाता है और तोड़ने का काम आसानी से किया जा सकता है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? हमारे अमूल सुरभि के कुछ सदस्यों की तरह नहीं, जो इस दृश्य को फिल्माते समय बंदरगाह में हाई टाइड और लो टाइड के बीच फंस गए। इसलिए जवाब देने के लिए आप अपनी जीके की अच्छी तरह से जांच कीजिए। ये जीके सिद्धार्थ जी, इसका मतलब है गोवा कोस्टलाइन या गुजरात खाड़ी या? रेणुका जी, जीके यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, समझदार ने इशारों काफी। आओ जो, नमस्कार। अगले सप्ताह अमूल सुरभि में क्रिकेट, जानिए राज कुछ महान खिलाड़ियों से आखिर क्यों सिरमौर है विश्व क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका, मिलिए ऐसी महिला से जो स्कूटर चलाना सिखाती है लेकिन केवल महिलाओं को, और जवाबी कहानी नेपाल की एक अनूठी कला पद्धति पर, तो मिल रहे हैं ना।
Surabhi, brought to you by Amul, the taste of India, and Dhara.